शरारत करना बुरी बात है दोस्तों। डिंग डिंग। अमारा केनिची तदाहिरो केनिची अमारा केनिची हो गया। अब मैं तुम सबको इलेक्शन का रिजल्ट बताने जा रहा हूँ। केनिची मित्सुबा को प्रैंक कमेटी का हेड चुन लिया गया है। केनिची तुम्हें बधाई हो। मुझे प्रैंक कमेटी का हेड चुनने के लिए तुम सबका शुक्रिया। देखूंगा इस केनिची को। तो तुम हेड बन गए। इसका मतलब तुम्हें ज्यादातर स्टूडेंट्स ने अपनी कमेटी का हेड चुन लिया है। हाँ, अब मेरी पर्सनालिटी ही इतनी जोरदार है तो मैं क्या करूँ। लेकिन तुम लोगों ने स्कूल में शरारत करने के लिए प्लान कमेटी बनाई है क्या? नहीं, शरारतों को रोकने के लिए कमेटी बनाई है। कैसी शरारतें? जैसे कि आजकल स्कूल में लड़कियों पर प्रैंक करने का फैशन चला हुआ है। तब तो ये बहुत बुरा हुआ। वो क्यों? क्योंकि स्कूल में लड़कियों को परेशान करने में तुम खुद नंबर वन हो। गई भैंस पानी में। बेकार की बातें मत करो हथौड़ी, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। खैर, अब तुम्हें पूरी क्लास ने कमेटी का हेड चुना है, इसलिए जरा दिल लगाकर काम करना केनिची। बस तुम देखते जाओ, अब मैं कमेटी का हेड बन गया हूँ तो अब मैं किसी को लड़कियों के साथ कोई शरारत नहीं करने दूंगा। तो हमें ही लग गई। ऐसी हरकत करने के बारे में सोचना भी नहीं। नहीं, वो तो थोड़ी मिट्टी लगी थी, साफ करा था। जल्दी हो गई सर। मजा आएगा। वहीं रुक जाओ। ऐसी हरकत करने के बारे में सोचना भी नहीं सर। ऐसी हरकत करने के बारे में सोचना भी नहीं। सॉरी, गलती हो गई। केनिची बन गया हीरो। तुम्हारी वजह से लड़के अब हमें तंग नहीं करते। तुम सब ने मुझे अपना हेड चुना है, ये तो मेरा फर्ज है। तुम्हारा जवाब नहीं, तुमने हमारा दिल जीत लिया। ये शक्ल का और अकल का जीरो केनिची लड़कियों का हीरो बन गया है। कुछ करना पड़ेगा बॉस। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, मतलब तुम अपनी जिम्मेदारी बड़ी अच्छी तरह निभा रहे हो। हाँ हाँ, चाहे कोई कितना भी शरारती स्टूडेंट हो लेकिन वो मेरे सामने कुछ नहीं कर पाता। कल भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छे, अब इस निडर और जोशीले केनिची को देखने मैं भी कल स्कूल आऊंगा। रुको रुको, ऐसी हरकत करने के बारे में सोचना भी नहीं। आज के दिन की शुरुआत भी बड़ी अच्छी हुई, मजा आ गया। अब देखना केनिची, असली मजा तो तुम्हें अब आएगा। कोई देख नहीं रहा है? ये है मेरा सीक्रेट हथियार। अब देखते जाओ हमारा की निंजा टेक्निक का कमाल। अब छुप जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग। यही मौका है। क्या हुआ? पता नहीं किसी ने अचानक मेरी स्कर्ट खींची। मेरी भी खींच दी। मेरी भी। लेकिन यहाँ से तो सिर्फ मैं ही गुजरा हूँ और तो यहाँ कोई नहीं है सिवाय एक के, और वो है केनिची। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैंने तुम्हारी स्कर्ट खींची थी? हाँ, तुम्हारे सिवाय यहाँ कोई और नहीं था, इसका मतलब तुम ही ने स्कर्ट खींची है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात मानो। तुम कमेटी के हेड होकर ऐसी हरकत करते हो। मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। सुनो सुनो। इस हीरो को जीरो नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी हमारा नहीं है। चलो आज मैं छुप कर देखूंगा कि केनिची प्रैंक कमेटी का हेड बनकर कैसा काम कर रहा है। जरूर स्कूल में सब लड़कियां उसकी तारीफ कर रही होंगी। हमें तुमसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया कि तुम हमारी सुरक्षा कर सको। क्या केनिची, तुम तो हेड हो ना, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी बात मानते क्यों नहीं? कुछ नहीं किया। सुनो तो, क्या मुसीबत है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो मामला उल्टा ही चल रहा है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। केनिची, गुड मॉर्निंग। युमिका, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम खुद प्रैंक कमेटी के हेड हो, उसके बाद भी तुम ऐसी गंदी हरकत कर रहे हो। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती? मैं सच कह रहा हूँ। इस केनिची को थोड़ा और मजा चखाना चाहिए। इस बार मैं युमिको के साथ अपना नुस्खा आजमाता हूँ। तुमसे कोई बात नहीं। युमिको, कम से कम एक बार मेरी बात तो सुन लो। डिंग डिंग। मुझे पता था इस सब के पीछे चालबाज अमारा का हाथ होगा। चलो अब दिखाओ अपना कमाल। मेरी बात का यकीन करो, मैं भला ऐसी हरकत क्यों करूंगा? मैं सच कह रहा हूँ। डिंग 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 डिंग।
डिंग डिंग, मैंने कुछ नहीं किया। रुको यमी को। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये क्या हो गया? केनिची! नहीं, ये मैंने नहीं किया। डिंग डिंग, यही मौका है दीवार पर से फिसलने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग डिंग। कैसे गिड़गिड़ा रहा है यमिको? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे क्लास में जाना है। ये क्या हो गया? मेरी बात का यकीन? अरे हमारे ऐसे क्यों लेटे हो? नहीं कुछ भी तो नहीं। ये क्या है? तो ये सब तुम्हारी हरकत थी? नहीं वो दरअसल। तो इस सब के पीछे इस चालबाज हमारा का हाथ था? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काम आ गया, रुक जाओ। ये सब हमारा ने किया था, तो उससे कभी बात नहीं करूंगी। चलो अब केनिची पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। वैसे भी अंत भला तो सब भला। और हाँ, हमें भी किसी के साथ ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए, समझ गए ना दोस्तों? डिंग डिंग। बच्चे तो बच्चे, टीचर भी डरपोक। डिंग डिंग। तुम सबको शायद पता नहीं, लेकिन आज से कई साल पहले स्कूल में रात में 5 अजीब अजीब चीजें हो चुकी हैं। 5 अजीब चीजें? हाँ, सबसे पहली क्लासरूम के बाहर जो सीढ़ियां हैं उनमें से एक सीढ़ी अपने आप बढ़ गई। दूसरी, म्यूजिक रूम का पियानो अचानक अपने आप बजने लगा। तीसरी, ये कॉरिडोर जहाँ खत्म होता है उसके आगे अपने आप रास्ता बन गया। चौथी, लेबोरेटरी में रखा स्केलेटन अचानक अपने आप डांस करने लगा। और पांचवी और आखिरी, जिन बच्चों को हमेशा कॉरिडोर में खड़े होने की पनिशमेंट मिलती है, वो अचानक मोमबत्ती बनकर इधर उधर मंडराने लगे। आप सब डर गए ना? डरना भी चाहिए, बल्कि आप सबको बताते हुए मेरे भी पसीने छूटने लगे हैं। क्या हुआ, आप लोगों ने कोई भूत देखा क्या? आप लोगों के चिल्लाने से ये घंटी नीचे गिर गई थी। कोई बात नहीं, आप लोगों की क्लास खत्म हो चुकी है। क्या हुआ सर? अब क्या होगा? हाँ तो बच्चों, मैं कह रहा था कि आपको डराने वाली बातें नहीं करनी चाहिए, डर जैसा कुछ भी नहीं होता है। चलो फिर आज के लिए इतना ही। उस पेपर पर अपने पेरेंट्स के साइन करवाना मत भूलना, जो मैंने आप सबको दिया है। चलो चलो मिल गया पेपर। आखिर इस समय कॉरिडोर की लाइट अचानक कैसे बंद हो गई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ, क्या बात है केनिची? बात यह है कि मुझे जोर की लगी है। अच्छा, तो ये बात है? हाँ। क्या तुम मेरे साथ टॉयलेट के अंदर चलोगे? लेकिन मुझे भी टॉयलेट नहीं जाना है केनिची। मैं चलूंगा। मैं तो अभी अभी हल्का होकर आया हूँ, लेकिन फिर भी एक बार हल्का होकर आता हूँ। हाँ, ताकि बाद में अकेले ना जाना पड़े। चलो हम साथ साथ चलते हैं। चलो केनिची। ये लोग भी ना। डिंग डिंग डिंग। अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम सब इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैंने फेस पैक लगाया था बच्चों। मैं किसी से नहीं डरता। क्या तुम्हें वो पेपर मिल गया? शुक्रिया जी, युमिको की मम्मी ने मुझे फोन करके उस पेपर के बारे में बता दिया। अब जल्दी से ढूंढो। मुझे लगता है मैं उसे स्कूल में ही छोड़ आया हूँ, अभी जाकर ले आता हूँ। कबड्डी 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 कबड्डी। आया ना उठ पहाड़ के नीचे। ये सीढ़ियाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। लेकिन पहले तो ये सीढ़ियाँ सिर्फ 9 ही हुआ करती थी। निकल गई हवा। म्यूजिक रूम उस तरफ है। भाई वाह, बहुत अच्छे कियो, इन्हें मजा चखाते रहो। अगर तुम यहाँ से मुड़ोगे तो आगे रास्ता खत्म हो जाएगा। शिशी माने तुम आगे जाओ। रात में मेरी आंखों की बत्ती गुल हो जाती है, इसलिए मैं अंधेरे में नहीं जाऊंगा। तुम एक निंजा डॉगी हो, फिर तुम्हें ऐसी फालतू की बीमारी कैसे हो सकती है? ना, मैं तो खुद ही चले जाऊँ ना। चलो सब साथ में चलते हैं। चलो। क्या हो रहा है? तुम देख के बताओ शिशी मानू। डर के मारे मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं। चलो फिर सब साथ में अपनी आंखें खोलते हैं। खोलो। बस
उन लोगों को डराने में मजा आ रहा है। अब लेबोरेटरी में जाना होगा। हाँ, ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज मुझे भी आ रही है। क्यों, तुम वहाँ पर कब गए? तुमने मेरे बताने के पहले ही काम कर दिया। बॉस, मैं तो आपके पापा पास ही खड़ा हूँ। ओए, तो क्या इसका मतलब है कि वो डीनिंग, मेरा शक बिल्कुल सही था, ये हमारा का ही काम था। दोस्तों, क्या तुमने सुना? किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। अरे बाबा, उसकी चिंता छोड़ो और जल्दी से यहाँ से पतली गली पकड़ कर निकल लेते हैं। हमारा तुम वहाँ देखो। डिंगिंग, ये तो मैं हूँ दोस्तों। धोखेबाज कहीं के, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हारी वजह से मैं हार्ट अटैक आ जाता तो फिर क्या करते? मुझे माफ कर दो दोस्तों। वो क्या है? तुम नहीं सुधरोगे ना हमारा, ये तुम्हारी ही कोई नई चाल है ना? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर ये क्या है? ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पहले सजा मिलती थी। भूतिया कैंडल्स को दूर करने की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग, ये कौन था? किसने किया ये? ये बकरी जैसी भद्दी आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है। शायद वो हमारे सर है। क्या हथौड़ी, वो हमारे सर है। मैं अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख रहा था, बस ऐसे ही चक्कर मारने बाहर आ गया था। हमें माफ कर दीजिए, मैं शोर सुनकर देखने आया और तुमने मेरी ये हालत कर दी। मैं अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता हूँ, मैंने आपको कुछ और समझ लिया था। चली जाए। पर सर, आपने ये यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? क्योंकि शायद भी डर गए थे। चुप रहो, खबरदार तुम लोगों ने इस बारे में दोबारा कोई बात की तो। यहाँ तो टीचर ही डरपोक है, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? डिंग डिंग डिंग।